नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। एडिलेड में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे सेशन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट पर 107 रन बना लिए थे। पहले टेस्ट मैच के पहले दिन विराट कोहली आउट होने से बाल बाल बचे। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने DRS न लेकर भारतीय कप्तान को बड़ा तोहफा दे दिया। डिनर ब्रेक के बाद जब कोहली बल्लेबाजी करने आए तो स्पिनर नैथन लियॉन की एक गेंद को अच्छे तरीके से नहीं खेल पाए। गेंद कोहली के ग्लव्स पर लगकर विकेटकीपर टिम पेन के पास गई। खिलाड़ियों ने कैच की अपील की लेकिन अंपायर ने अपील को नकार दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने DRS लेना उचित नहीं समझा। वहीं कुछ देर बाद TV रिप्ले में देखा गया कि गेंद कोहली के ग्लव से हल्का सा लगकर विकेटकीपर के पास गई थी। यहीं से बचने के बाद कोहली ने जमकर बल्लेबाजी की और भारतीय पारी को संभालने की कोशिश में अच्छे तरीके से लग गया। वैसे कोहली और पुजारा के बीच तीसरे विकेट के लिए 68 रनों की पार्टनरशिप हुई, लेकिन नैथन लियॉन ने पुजारा को आउट कर भारत को तीसरा झटका दिया। पुजारा 43 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में पुजारा ने 160 गेंदों का सामना किया और इस दौरान सिर्फ 2 चौके लगाए। विराट कोहली ने इसके बाद अजिंक्य रहाणे के साथ भी एक छोटी पार्टनरशिप की और दोनों के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई और इस दौरान विराट कोहली ने टेस्ट करियर का अपना 23वां अर्धशतक भी ठोका। आपको बता दें 68 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 152 रन था। 3 विकेट के नुकसान पर विराट कोहली 161 गेंदों पर 66 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं अजिंक्य रहाणे 50 गेंदों पर 18 रन बनाकर खेल रहे थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।